अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का जो व्लॉग है ये है जी एंड्योर पे। अगर आपने अभी तक ईद के शूज़ बाय नहीं किए तो आप एंड्योर पे जा सकते हैं, दी बेस्ट एवर शूज़ हैं इनके पास। मैं सारे ब्रांड्स पे गई हूँ, सबसे बेस्ट जो जूते हैं ना वो इस टाइम पे एंड्योर पे हैं, और रीज़नेबल प्राइसेस के साथ। इनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं, और तकरीबन आपको फ्लैट्स में बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, हील्स में मिल जाती है, ब्लॉक हील में मिल जाती है, सैंडल्स की बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, तो टीन्स के लिए भी बहुत अच्छी सी वैरायटी, अच्छे आर्टिकल हैं इनके पास, और इसी तरह छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं। ओके जी, जितने भी आपने आर्टिकल देखे हैं सारे आई होप आपको पसंद आए होंगे, बहुत प्यारे से और कंफर्टेबल से सारे आर्टिकल्स हैं इनके पास। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने शॉपिंग की है, मतलब यहाँ से मैंने जो जूते बाय किए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो आपको वेज में भी मिल जाएंगे। ओके जी, तो अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। सबसे पहली जो है ये आप फ्लैट देख रहे हैं, स्लीपर्स हैं ये मैंने अपनी बेटी के लिए बाय किए हैं। 999 यानी 1000 के अंदर ये स्लीपर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सोल है इनका, ये सोल देख लिए, और नॉन स्लिपरी हैं ये, यानी आप जब पानी में भी काम करेंगे तो ये स्लिपरी नहीं है। और इसके ऊपर ये जो रैक्सिंग लगी है ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो 1000 में आई थिंक द बेस्ट जूता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये देखिए ये वाला जो है ये भी बहुत प्यारा सा है, थोड़ा फैंसी में आ जाता है ये कोल्हापुरी स्टाइल में, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी भी आई थिंक प्राइस जो है वो 1200 समथिंग थी, प्राइसेस अब ये है कि मुझे इनकी भूल चुकी हैं। ऑन दी होल ये कि आई थिंक ये 20000 में सारे जूते जो थे वो कंप्लीट, जितने भी अभी आप जूते देखेंगे ये 20000 के अंदर आ चुके हैं। ये वाले जो हैं ये आई थिंक 800 रुपीज़ के हैं। हाँ जी, ये फुली प्लास्टिक में है और नॉन स्लिपरी है ये भी, और ये 799 यानी 800 रुपीज़ में ये हैं। कलर बहुत प्यारे हैं, अगर आप बच्चों के लिए वहाँ से बाय करना चाहते हैं तो बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं स्लीपर्स वगैरह में, सैंडल्स में। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है ये भी स्लीपर्स हैं, ये भी जो है नॉन स्लिपरी हैं, और इनके भी प्राइस रेंज सेम ही है, आई थिंक
600 या ओके जी, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, बच्चियों के लिए भी और बॉयज़ के लिए। यानी नेक्स्ट ये वाला जो जूता आप देख रहे हैं ये मैंने हील्स से लिया था, मल्टी शेड में है, ब्लू में, मस्टर्ड में और रेड में, तो मुझे ये प्यारा लगा। ये लॉन के कपड़ों के साथ, आपको पता है मल्टी शेड्स में होते हैं लॉन के कपड़े, तो उनमें ये बहुत प्यारा लगता है। ये देखने में इतना मतलब खूबसूरत नहीं लग रहा जितना कि ये पैर में पहना हुआ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो हील्स पे भी डिज़ाइन कुछ बेहतर हैं हील्स के डिज़ाइन बाकी ब्रांड्स की निस्बत। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये वाला सैंडल है, ये भी उधर से ही एंड्योर से ही लिया है और ये भी आई थिंक 1300 में मिल गया था। ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी प्यारा सा डिज़ाइन है। इसमें 3 कलर्स थे, ग्रे था, ये वाला पीच था और एक ब्लैक कलर भी था इसमें। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, फैंसी सा, और इसका सोल जो है वो कंफर्टेबल है हार्ड सोल में। यही वाले जूते आपको हार्ड सोल में भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि जो जूते के सोल हैं वो कंफर्टेबल लेवल उनका बहुत हाई था। ओके ओके जी, यहाँ पे मैंने आपको ये वाले दिखा दिया, मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटी बेटी के हैं अनुषा के, तो ये भी बहुत अच्छे मुझे लगे थे। इसमें और भी बहुत सारे डिज़ाइंस थे, तो क्योंकि गर्मी है और गर्मी में पाँव जो है वो मैं नहीं चाह रही थी कि फुली इसका मतलब जो पाँव है वो सैंडल में जैसे बेयर रहता है उस तरह से हो, तो मुझे इसके लिए ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा कि हील को भी कवर करेगा और आगे पाँव का जो टो है या फ्रंट है उसको भी ये क्लियर कवर करेगा। और अभी क्योंकि मुझे शदीद नींद आ रही है इस वजह से मैं इससे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा, तो गलतियां जो भी आपको सुनाई दें उनको बस इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, उनके पास जेंट्स के जो जूते हैं वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत कंफर्टेबल हैं, शूज़ भी और सैंडल्स भी एंड चप्पलें भी, यानी जो स्लीपर्स होते हैं वो भी सारे ही अच्छे थे। तो अभी जो जेंट्स वाले मैंने बाय किए हैं वो भी आप देख लीजिए।